जो सरेंडर नहीं हुए हैं उनको जो पालना लेनी है, आत्मा की पालना होती है कि नहीं होती है कि शरीर की पालना होती है? पालना शरीर की ही होती है कि आत्मा की भी होती है? हैं? दोनों की होती है। तो शरीर की पालना की बात नहीं है। कौन सी पालना की बात है? आत्मिक पालना की बात है। आत्मा की पालना जन्म जन्मांतर की है और शरीर की पालना तो सिर्फ इसी जन्म की है। तो बेहद के बाप से कौन सी पालना मिलती है? आत्मिक पालना मिलती है। तो उसके लिए बोला गया है, अब वो चाहे सरेंडर हो और चाहे नॉन सरेंडर हो। नॉन सरेंडर है उनके लिए ये बात लागू होती है कि अगर पालना लेनी है तो किससे लेनी है? आत्मा की पालना। एक बाप से पालना लेनी है। दूसरों से अगर पालना लेंगे, दूसरों से ज्ञान सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। एक बाप से ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान व्यभिचारी होगा। अब व्यभिचारी ज्ञान की प्राप्ति ही कुछ और, व्यभिचारी ज्ञान की प्राप्ति कुछ और हो जाएगी। जो व्यभिचारी ज्ञान सुनते हैं वो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे द्वापर युग से। कोई इस्लाम धर्म में चले जाएंगे, कोई क्रिश्चियन धर्म में चले जाएंगे, कोई मुस्लिम धर्म में चले जाएंगे, कोई सन्यास धर्म में चले जाएंगे, कोई नास्तिक बन जाएंगे। तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। इसलिए जो भी पालना लेनी है, चाहे सरेंडर हो चाहे नॉन सरेंडर हो, किससे पालना लेनी है? एक बाप से पालना लेनी है।